अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पैड़ी चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर 25,12,585 दीपक जलाए गए। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस तरह से रामनगरी एक आयोजन में एक साथ दो विश्व कीर्तिमानों की साक्षी बनी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ पहला दिया जलाकर किया। उनके साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या की ये खूबसूरत झलकियाँ। वहीं पीएम मोदी ने भी इस अलौकिक दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी पोस्ट करते हुए लिखा, अलौकिक अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री लला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के लिए अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। जय श्री राम। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, साथ ही नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जय श्री राम लिखना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।